फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस सुनो, मैं एक चीज क्लियर करता हूँ पहले, किसी को हेट मत दो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? किसी को हेट मत दो, सबसे पहली चीज, क्रॉन्टेन का डिसीजन नहीं था कि एस्पावर नहीं खेलेगा लाइनअप में, ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वही बोलना चाहूंगा, क्रॉन्टेन को हेट मत दो कि क्रॉन्टेन ने गलत डिसीजन लिया, पावर को हटा दिया ये वो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही बोलना चाहूंगा कि मेरा डिसीजन था ये, तो किसी को हेट मत दो भाई। तो हाँ गाइस, अभी देखो मैं बता देता हूँ, लाइन नहीं यार, अभी तो उन लोगों का चारों का अच्छा जा रहा है भाई। मैं गॉडेल ज्वाइन किया था तभी मेरे पुराने टीम में थोड़ा कुछ इश्यूज चल रहे थे, उसकी वजह से वो तो लीव कर रहा ही था मैं, तो मेरा एक प्लान नहीं था कि मेरे को जॉइन वो लीव करके गॉडेल वगैरह जाना है। तो सीन ऐसा था कि मतलब जब सबको बहुत लोगों को मालूम पड़ा कि एस्पावर लीव कर रहा है, तो बहुत सारे ऑफर्स आए मेरे पास, लेकिन फिर वही बात थी गॉडेल का भी आया था। द रीजन वाई आई चोज गॉडेल वॉज कि मेरा सीनियर जी वगैरह ऑलरेडी उनके साथ था अच्छा, और मतलब बहुत कम टाइम था बीजेएमएस का लैन था, तो बहुत कम टाइम था। और क्रॉन्टेन ने बोला कि तू आ जा बीजेएमएस बीजेएस के लिए और तू देख ले कि मतलब कैसा चलता है टीम में सीन, तो मैंने भी वही बोला कि मैं आ जाता हूँ अगर मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा बीजेएमएस बीजेएस में, सिनर्जी वगैरह अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस नहीं सिनर्जी वगैरह सही लग रहा रहेगा, तो मैं नो डाउट कंटिन्यू करूंगा, और अगर कुछ नहीं रहेगा तो अपन देखेंगे जो भी डिसीजन रहेगा। तो अभी सीन वही है, आज भी आप लोगों को पता ही है मैं अभी गॉडल में नहीं हूँ। आज आप लोगों को पता है मेरे को फटक से ऑफर आ गया, और थोड़े दो तीन और से, नाम तो ऑफकोर्स नहीं ले सकता, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी करंटली सब सब रहने देता हूँ मैं। अभी मेरा जो सोलो परफॉर्मेंस है, सोलो गेम है, अभी बीजेएस वैसे भी खत्म होने वाला है, तो अभी मैं खुद के गेम पे प्रेफर कर रहा हूँ कि खुद के गेम पे ध्यान दूँ। अभी जो भी रहेगा मेरा आप लोग को मालूम पड़ जाएगा बीजेएस के बाद कि पावर कौन सा टीम ज्वाइन करने वाला है। अभी तो टू बी ऑनेस्ट अभी मैंने कोई सोचा नहीं है, कोई बैकअप लिया नहीं है कि मतलब ये ऑर्ग में जाऊंगा अगर गॉडल छोड़ूंगा, तो अभी भी देखते हैं। मैं आराम से कोई डिसीजन लूंगा बीजेएस के बाद, और लॉन्ग टर्म डिसीजन लूंगा, मतलब अगर वो टीम का परफॉर्मेंस खराब जाए तो भी अपना कुछ सीन नहीं रहेगा। जी एस पावर, न्यूमन एस पावर, अरे 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 अरे।